हमेशा बौद्ध धम्म अपने जीवन में अंधकार ही मिटाने की सोचता है, अज्ञान ही दूर करने की सोचता है, क्योंकि जीवन में जिधर उधर अंधकार, अंधश्रद्धा, मूर्खपना, अत्याचार, व्यभिचार, बलात्कार, चोरी, नादुस का ही काम चल रहा है, तो बुद्ध धम्म जीवन में अच्छ कर्म को ही बढ़ाने का काम करता है। अंधश्रद्धा छोड़कर स्वयं जागृत हो जाओ, स्वयं का मंगल करो, स्वयं का कल्याण करो, यही सिखाता है बौद्ध धम्म। हर एक बात से बोध लेना है, अबोधता को दूर करना है, अपना मंगल साधना है, अमंगल दूर करना है। अविद्या के वजह से अंधकार घनाभूत आया है, इसीलिए जीवन में अंधकार फैला है। भगवान बुद्ध के समय की बात है, एक बार भगवान बुद्ध जी और राजा प्रसेंजित हंस हंस कर बात कर रहे थे, चेहरे से सारे दोनों के ऐसा हास्य प्रकट रहा था, दोनों मुस्कान और प्रसन्नता से भरे हुए थे। अचानक राजा प्रसेंजित के कान में आकर उसके गुप्तचर व्यक्ति ने, हेर व्यक्ति ने, गुपित व्यक्ति ने, एक नौकर व्यक्ति ने आकर उनके कान में कोई बात में बताई, तो क्या हुआ, झर्र के साथ प्रसेंजित का चेहरा हंसता हुआ निराश हो गया, उदास हो गया, रणकौंडा हो गया, चिंतित हो गया, शोकित हो गया, क्रंदन करने वाला हो गया, क्या हो गया। भगवान बुद्ध जी ने उनसे पूछा, महाराज अभी अभी आप बड़े प्रसन्न और खुश कर हास्य से बातें कर रहे थे, तुम्हारे सारे चेहरे में हास्य का आनंद प्रकट हो रहा था, लहरा रहा था, अब एकाएक क्या हो गया महाराज। महाराज बोले, भगवान आपसे क्या छुपाऊं, छुपा नहीं जा सकेगा, क्योंकि आप मार्गदाता है, हमारे संकटों का एक निवारण करनारा गुरु है, आपसे कैसे छुपाएंगे। अभी जो नौकर आया था भगवान, उसने सूचना दिया है, हमारे को लड़की हो गई है, तो इसलिए निराश हो गया भगवान। भगवान बुद्ध ने उसे बताया, रे राजा प्रसेंजित, लड़की होना अच्छी बात है, जब लड़के पत्नी नहीं बनती तो माँ कैसे बनेगी, माँ नहीं बनेगी तो सम्यक संबुद्ध भी कैसे निर्माण होगा, कैसे पैदा होगा, माँ के वजह से भी ये सम्यक संबुद्ध का जन्म हुआ है ना माँ महान, है कि नहीं। पर लड़की जब पत्नी बनती है तभी तो माँ बनती है ना। हे राजा, अगर माँ नहीं होती, लड़की पत्नी नहीं होती, पत्नी माँ नहीं बनती, तो राजा प्रसेंजित सम्राट नाम का महान व्यक्ति राजा कैसे हो जाता, कैसे हो जाता राजा,
जब लड़की माँ ही नहीं बनती तो राजा प्रसंजीत कैसा हो जाता? जब लड़की माँ बनती है तो शूरवीर अनेक प्रकार के राजे महाराजे क्रांतिकारक महापुरुष महामानव को जन्म देती है, तो लड़की ही महान है राजा। लड़के से लड़की महान है क्यों? महापुरुषों को जन्म देती है। राजा का चेहरा खोल उठा, प्रसन्न हुआ। तब राजा को भगवान बुद्ध ने एक कहानी सुनाया। एक बार कहानी का अर्थ यह है, जब राजा को लड़के है उसका नाम सुभद्री रखा गया। सुभद्रा दिनों दिन बढ़ते गए, तरुण हो गई, जवान हो गई, तो राजा रानी को चिंता सताने लगी। किस बात की? लड़की की शादी हो जाए, उसका विवाह हो जाए, पति घर जाए। इसलिए राजा और रानी भी दोनों उसको बहाने वाले की राह देख रहे। सुभद्रा राजकन्या को कई कई राजपुत्र आए, सुंदर आए, वीर आए, धनुर्धर आए, रूपवान आए, धनवान आए, सौंदर्य से भरे हुए महान व्यक्ति के चेहरे आए। किस लिए? सुभद्रा को मांगने के लिए, अपनी पत्नी बनाकर ब्याह कर ले जाने के लिए। पर सुभद्रा ने किसी को पसंद नहीं किया, तो राजा को लगा क्या हो गया, हमारे लड़के राजकन्या को क्या हो गया, कोई पसंद नहीं आया, इतने बड़े सुंदर, रूपवान, धनुर्धर, बलवान, क्रांतिकारक, धनवान भी आए। तो राजा रानी सुभद्रा को बुलाए पास में, बेटी सुभद्रा, तेरे को कैसे कैसे मांगने के लिए राजपुत्र है, बड़े सुंदर, धनुर्धर, श्रीमंत, रूपवान, क्रांतिकारक, और तूने उसे एक को भी पसंद नहीं किया, क्या बात है बेटी? तो लड़की सुभद्रा ने निर्भयता से उत्तर दिया, बाबा ये जो सारे मुझे मंगने आए थे वो सुबह 8 बजे के पहले सोकर नहीं उठते, इतने अलाल है। तो श्रीमंती बाबा अलाल और आरसी से भरी होती है, ऐसे पति को मैं नहीं चुनना चाहती हूं। तो मुझे पति कैसा चाहिए बाबा, जिसके घर जाकर मुझे कष्ट करने पड़े, मेहनत करनी पड़े, काम करना पड़े, सुबह 4 बजे उठने को मिले, बाबा ऐसा मुझे पति चाहिए। तो राजा ने अपने मन में स्वीकार किया, ऐसी बात है बेटी। तो राजा ने उस नगरी के गरीब दरिद्र व्यक्ति, उसके एक माँ थी, बाप नहीं था, घर मकान पड़ा हुआ सा था, खपरेला को घर था और जगह जगह खपरेले फूटे हुए थे, उसको राजा प्रसेंजित ने बेटे सुभद्रा की शादी कर दिया। बड़े खुशी से बहाने के बाद सुभद्रा नानने गई और सुबह 4 बजे उठकर देखकर गाय का गोबर लाती थी, ठंडे पानी में उसको कालवती थी, आंगन झड़ लेती थी और पानी का सड़ा उसमें डालती थी, सुबह बर्तन मानती थी, झाड़ू लगाती थी, नाश्ता बनाती थी, पति को देती थी, सासू को भी देती थी, वैसा ही भोजन पति को देती थी, सासू को देती थी, बस्ती अपन खा जाती,
शाम का ही यही प्रक्रिया। ऐसा करते करते सुभद्रा काम को भी जाती थी मजदूरों के साथ। उसका पैसा बच गया। जहां लक्ष्मी ठहरे, जहां हाथ फिरे वही लक्ष्मी ठहरे। करते 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 उसके पास धन बढ़ गया। सासू ने देखा, मेरे यहाँ बहू के वजह से धन बढ़ा है, अब मेरी इच्छा पूरी हो सकती है। कौन सी इच्छा? मेरा पति मर गया, 5 साल हो गए, मैंने उसको खाना नहीं खिलाया। एक बार सुभद्रा क्या कर दिया, कह दिया, बेटी मैं अपने पति को ये आने वाले अखरपट को खाना खिलाना चाहती हूँ। पति है ना, क्या पितृमोक्ष अमावस्या है, एक दिन खाना खिलानी चाहती हूँ। बेटी ने पूछा, कितने साल हो गए माँ? 5 साल। रोज कितना खाता था? सुबह एक पूड़ी, नाश्ता सब्जी, शाम को भात और पूड़ी, कभी कभी मटन भी खाता था, कभी कभी दारू भी पीता था। तो सुभद्रा ने 8 दिन पहले भोजन की तैयारी की। भोजन बन गया और समय भी आया, पितृ मोक्ष अमावस्या अखर पक आया। 12 बजे के पहले रूढ़ी परंपरा थी ना, अंधश्रद्धा थी ना, मरे आदमी खाना खाने के लिए आते हैं, ऐसी चलन थे उस जमाने में अंधश्रद्धा वाली। उस समय सारा भोजन मकान के ऊपर रख दिया, जिधर उधर यही हाल, कावरे की काव काव, जिधर उधर मेजवानी कौवे आते थे, मस्त उनकी मजा थी। और लोग चिल्लाते थे, कावरे आए, नौरे आए, अरे बापा आए, भावा आए, कावरे आए। कावरेला नवरा बनो लागले, कावरेला मेला मनसाला बाप बनो लागले, अरे कावरेला पुत्र बनो लागले। कव्याची उदरधान चालली, मस्त खायची मजा, किती खाणार। त्या घरी आल्या, 2-4 शीत खाल्ले आणि दारूची सवय असल्यामुळे दारूच्या बाटला ठेवल्या, मटणाची सवय असल्यामुळे मटणाचा गंध भरला ठेवला। बिचारी कावराला 2-4 शीत खाल्ले, हिचं मन नाही समाधान। माझा पती 5 वर्षापासून उपाशी आणि 2-4 शीत खाते, कसं समाधान होईल? आणि म्हणून निराश उदास जाऊन घरात जाऊन झोपते आणि रडता रडता तिला झोप येते। 15ची पेळी आली, त्या घरावर चढली आणि गंज खाता खाता, गंजातलं भोजन खाता खाता मटण खात नाही आणि तो मटणाचा गन उलटा केला, सारा रसा घरातून खाली गरू लागला आणि सासूबाईच्या डोळ्यात घुसला आणि ती चिल्लावली, अरे बापरे, मा डोळ्यात काय धसलं? डोळे खोलून पाहते, मटणाच्या रस्याची धार तिच्या डोळ्यात घुसली। तेव्हा सुनबाई म्हणते, अन्य प्रकारचं भोजन खात होता तुमचा पती, त्याची तयारी केली, तुम्हाला कधी मारत भी होता का? तर त्यावेळेस ती म्हणाली, मारत होता, तर म्हणूनच त्याने तो तुला मारण्याच्या प्रक्रियेच्या रूपाने तुझ्या डोळ्यामध्ये तिकट घातलं आणि ते ओढून राहिली। तर आता राय बोंबलत बोलावशील का पुन्हा? अशी पुन्हा बोलावशील का? म्हणे मी आता अजिबात बोलवणार नाही पतीला मेल्या, कारण तो त्रास देणारा होता, त्रास देते आणि म्हणून जित्या माणसाची खोय मेले माणसं मुरवतात, पण मेल्या माणसाची खोय जिथे माणसं मुरवू शकत नाही अंधश्रद्धा। अशा प्रकारचे तिच्या घरचे देव सारे आंघोळीला नेले आणि आंघोळ करता करता नदीत बुज काढले। वापस टोपलं घेऊन आल्यावर सुभद्राची सासू म्हणते, बाई माय देव कोठा, किती वर्ष झाले आंघोळ नाही केली होती, 3 वर्ष आता चांगले अंगपाय घासून राहिले, अंगपाय धुणं झालं का? एक एक येऊन बसतील त्याची वाट पाहत राहा। असा बिचारा सुभद्रेने त्या काळी सासूच्या घरचे अंधश्रद्धा दूर करून तिच्या मनाला जागविले। ती जागती झाली, अरे सदाचारही जीवनामध्ये ईश्वरनीय कर्म आहे आणि दुराचार नाश कर्म आहे, शिका संघटित आणि संघर्ष करा,
सात पस्ता करणं कुशलासंपदा सतीत परिवेदपनं एतं बुद्धान शासनं बुद्धं नमा।